जे हम लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी का फिर से बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे और ये अभी तक जो रिजल्ट निकला है उससे तो पता ही लग रहा है हम लोग सरकार बना रहे हैं। और सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारा सर्वभारतीय सभापति जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, राजनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी कार्यकर्ता जिन लोगों का परिश्रम के कारण आज ये जीत हासिल हुई है, इन लोगों को मैं पृष्ठा प्रमुख से शुरू करके सभी कार्यकर्ता जितना जो जो जिस स्तर पर है सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, ये जीत उनका है। दादा जिस तरह से आप लोग खड़े थे सुनामी, लेकिन एक कांटेदार टक्कर जो देखा गया उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो हम लोग वही सोच रहे थे ऐसा होना था, लेकिन हम लोग पोस्ट इलेक्शन जो विश्लेषण है उसमें हम लोग बैठेंगे, जिस तरह हम लोग सोचे थे और भी सीट हम लोग को आना चाहिए था, इसके विषय में तो जरूर हम लोग उसका विश्लेषण करेंगे, उसके बाद ही मैं बता सकता हूं क्यों ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद का क्या आपका प्लानिंग है, शपथ ग्रहण कब हो रहा है? देखिए ये तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारा जेपी नड्डा जी हमारा सर्वभारतीय सभापति अमित भाई जी सब मिलके हमारा जो लीडर्स है सेंट्रल लीडर्स इन लोगों से बात करके तभी फाइनल होगा कब करेंगे। अभी इसका आज का क्या प्रोग्राम है, क्या सीखे? अभी तो मैं जा रहा हूँ सर्टिफिकेट लेने। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।